हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 2 पर, और आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 10। आज का बच्चों लेक्चर नंबर 10 जो है उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वैक्टर्स बाय रिक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। इससे पहले बच्चों हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं, लेकिन उस एडिशन में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन जो है उसको स्टडी किया था ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दो वेक्टर्स ग्राफिकली गिवन हो, उनकी लेंथ्स हो, उनके एरो हेड्स हो, यानी उनकी डायरेक्शन गिवन हो, तो ग्राफिकली अगर वो वेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, दिए गए हैं, तो उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने बच्चों मेथड पढ़ा था कि वेक्टर्स को हम लोग जो है वो हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं अगर ग्राफिकली गिवन है, पैरेललोग्राम मेथड है, ये ट्रायंगुलर लॉ है। तो हमारे सिलेबस में चूँकि हेड टू टेल था तो हमने वेक्टर एडिशन को हेड टू टेल रूल से स्टडी किया। तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर हमारे पास यहाँ पर अब आप लोग दो केसेस बना सकते हैं। पहला केस आप ये बना सकते हैं कि अगर तो दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स ग्राफिकल फॉर्म में दिए गए हैं तो हम उन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं और उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस बच्चों यहाँ पे अब हम ये बना सकते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स रिक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में दिए हैं तो फिर उनको हम किस तरह से ऐड करेंगे, या उनको ऐड करने का मेथड जो है ये हम आज स्टडी करेंगे। तो ये बच्चों हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए या आप लोगों के पास जो नोट्स बनाने के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए ताकि आप इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स को नोट कर सकें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रिक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। देखिए बच्चों, ये जो रिक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स है इसको हम लोग एक पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं किसी वेक्टर के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जहाँ तक बात है बच्चों कंपोनेंट्स की कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी आप लोगों को कि अ वेक्टर कैन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, किसी वेक्टर के इन्फिनिट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन सारे इन्फिनिट कंपोनेंट्स में से ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उन रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दिए हों, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों और उनके सिर्फ रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो, तो उन रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये आज हमने स्टडी करना है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले ये कि किसी वेक्टर के जो रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो हम किस तरह से बनाते हैं, या एक वेक्टर के रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से होते हैं, ये हमने पढ़ा तो है पिछले लेक्चर में, लेकिन जस्ट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए के रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इसके हेड से हम लोग इस वेक्टर के हेड से हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन एक्स एक्सिस पे, और एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं वाई एक्सिस पे इस तरह से। तो फिर हमारे पास बच्चों दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक कंपोनेंट बनता है अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं ए एक्स कॉम्पोनेंट, और एक कंपोनेंट बनता है अलोंग वाई एक्सिस जिसको हम कहते हैं ए वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, और ये पॉइंट ओरिजिन है। तो इस तरह से ए वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर ए है ओ से लेके पी तक, इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स बन गए ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर आप इनकी डायरेक्शन सिर्फ इनको ड्रॉ करके देखें, तो मैंने ए एक्स जो है इसको ड्रॉ किया है अलोंग एक्स एक्सिस और ए वाई को ड्रॉ किया है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये जो कंपोनेंट है ए वाई, यानी वाई कंपोनेंट जो है, इसको हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग, जैसे मैंने दिखाया है, ऐसे तो दिखा ही सकते हैं, ऐसे तो बनाना ही है, लेकिन बच्चों इसको इस पोजीशन से हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं एम से पी पोजीशन तक। ठीक है, यानी इक्वल वेक्टर की फॉर्म में, कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम होती है उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो इस लॉजिक पे हम इस ए वाई को यहाँ से इस अलोंग वाई एक्सिस से उठा के यहाँ पे दिखा देते हैं अलोंग, ये भी अलोंग वाई एक्सिस है लेकिन एम से लेके पी तक। तो यहाँ पे आ जाता है ये वेक्टर ए वाई।
तो इस तरह भी हम दिखा देते हैं, ये भी इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो इस तरह से हम दिखा देते हैं कि ये वेक्टर जो है ये ए एक्स है, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये वेक्टर ए वाई है, और ये फिर हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है, ठीक है। यानी ए वेक्टर जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए एक्स और दूसरा कंपोनेंट ए वाई, मतलब उसको इस तरह से अलहदा भी यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं। तो ये जो होते हैं किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स अगर हमने बनाने हो, रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हो, तो आम तौर पे रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने का ये हमारे पास मेथड है, ठीक है। एक बात अभी आपने जस्ट रिफ्रेश किया है कि रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ने लगे हैं रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो हम ऐसा करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये किसी प्लेन में गिवन है, मतलब इस तरह से है कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक प्लेन है, और इस प्लेन में दो वेक्टर्स गिवन हैं। एक है जो वेक्टर ए जो कि इस तरह से है, गिवन है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक वेक्टर ए है जो इस तरह से गिवन है, और एक वेक्टर बी है जो इस तरह से गिवन है। ये दो वेक्टर्स हैं जो हमारे पास एक प्लेन के अंदर, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। हमने इन दोनों वेक्टर्स जो हैं इनको ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, ठीक है। तो उसका तरीका अब यहाँ से आप लोग जो है वो समझेंगे। अब यहाँ से आगे जो बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही वाला रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें हम लेते हैं दिस लाइन इज एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज़ वाई एक्सिस। अब जो इन दोनों वैक्टर्स को रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के मैथड से ऐड करने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि पहले मैं लेता हूँ वैक्टर ए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्टर ए आ गया, ये वाला फर्स्ट वन, और इसको पहले ऐड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं हेड टू टेल रूल, राइट। तो वैक्टर ए है और इसके हेड पर हम मिला देते हैं वैक्टर बी को, तो ये वाला हो गया वैक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। दोनों वेक्टर्स गिवन हैं यहाँ पे हमारे पास, और दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल हमने मिला दिया, तो इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया दोनों का, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर बन गया, ठीक है। ये ओ है, ये पॉइंट पी है, ऐसे कुछ भी हम कह सकते हैं, ये वाला पॉइंट क्यू है, ऐसे कोई नाम रख सकते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बच्चों, ए और बी, और दोनों वेक्टर्स को हमने मिला दिया एक दूसरे के साथ हेड टू टेल। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ ज़रा थोड़ा सा वाइड करके, ताकि हमें बाद में थोड़ा आसानी रहे कंपोनेंट्स फॉर्म में। तो दोबारा से देखें बच्चों इसको कि हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास है वेक्टर ए और ये हमारे पास है वेक्टर बी और ये है इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। तो ये वेक्टर आर हो गया और ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और उनका जो रिजल्टेंट है वो जो हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस तरह से हमने उसको ऐड करके रिजल्टेंट को वहाँ पे बना दिया। अब जो हमने ये जो रिजल्टेंट है आर, इसको फाइंड करना है, हमने मालूम करना है कि ये जो आर है रिजल्टेंट वेक्टर ये क्या है। तो इसके साथ आप ये भी याद रखें कि किसी भी वेक्टर को मालूम करने का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो हमने बच्चों ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये फाइंड करना है हेड टू टेल रूल से, तो हमारे पास आ गया हेड टू टेल रूल। तो आप देख सकते हैं कि ये वैक्टर ए है और इस वैक्टर ए के हेड पर वैक्टर बी की टेल को मिलाया, वैक्टर बी बन गया, फिर रिजल्टेंट वैक्टर ड्रॉ कर दिया, आखिरी वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर की टेल तक एक रिजल्टेंट बन गया। अब ये हेड टू टेल रूल तो है, लेकिन हमने इसको बेटे ऐड करना है आर की वैल्यू को फाइंड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं उसकी मदद से हमने आर वेक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए भी जो ज़रूरी है कि वैक्टर ए और वैक्टर बी जो हैं दोनों के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मौजूद हों। तो अब इस दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम बना लेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी और फिर उनको ऐड कर दिया। दूसरे स्टेप पे अब हम ये करेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह ड्रॉ होते हैं ये मैंने आपके सामने बनाया है कि जैसे ये वेक्टर ए था तो इसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। तो इस तरह जो ए के बी के और आर के कंपोनेंट्स हम ड्रॉ कर देते हैं।
तो सबसे पहले बच्चों जब हम वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ए के हेड से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे इस वेक्टर ए के, ये वाला जो वेक्टर ए है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बेटा ये बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बन गया ए एक्स कंपोनेंट, और इसको एम कह लें इस पॉइंट को, और यहाँ से एम से लेके क्यू तक यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जो है ये बनेगा विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस। इस कंपोनेंट का हम नाम रखेंगे दिस इज़ ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। एक होगा एक्स के अलोंग विच इज़ ए एक्स कंपोनेंट, एक कंपोनेंट लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, उसका नाम रखेंगे ए वाई कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है इसके दो कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए थे कि ये वेक्टर ए है, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे बच्चों ये वेक्टर ए है, इसका एक्स कंपोनेंट, और ये इसका जो है ये वाई कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। अब जो हमने बी वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ड्रॉ करते हैं बी को। पहले यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस लाइन, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग वेक्टर बी के हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास वेक्टर बी, तो वेक्टर बी की टेल जो है उसको मैंने रेफरेंस लाइन यहाँ बना ली अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। तो वेक्टर बी के हेड से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो फिर हमारे पास इस वेक्टर बी के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक जो ये कंपोनेंट बनेगा, इस कंपोनेंट को कहेंगे दिस इज़ बी एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ये बी एक्स कंपोनेंट होगा यहाँ पे, मतलब लिख मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन ये जो बी एक्स कंपोनेंट है वो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कंपोनेंट बच्चों बनेगा बी एक्स कंपोनेंट, और इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वर्टिकल है ये कंपोनेंट बनेगा बी वाई कंपोनेंट। इस तरह से बच्चों हम बी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किए ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई, तो इस तरह से बच्चों बी वेक्टर के कंपोनेंट्स बी एक्स और बी वाई, ठीक है। ये आप लोगों के क्लियर होगी बात, बी के भी बना दिए। अब जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर के, ठीक है। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर भी गिवन है, फर्ज कीजिए ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को जो कि ओ से लेके पी तक है, इसके जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे आर एक्स, और दूसरा इसका कंपोनेंट बनेगा आर वाई, ठीक है। आर एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आर वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो वो यहाँ पे अगर दिखाएं उसको हम, तो जो आर वेक्टर का हेड है वहाँ सिर्फ जो हम इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये फर्ज कीजिए एन है, तो यहाँ पे जो ओ से लेके एन तक ये जो कंपोनेंट बनेगा इसके ऊपर, ये कंपोनेंट जो बनेगा ओ से लेके एन तक, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे आर एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ओ से लेके एन तक वो इसके ऊपर ही बनेगा यहाँ पे, तो यानी यहाँ से लेके ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट ओ से एन तक जो है इसको कहेंगे आर एक्स कंपोनेंट, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो वाई कंपोनेंट होगा आर का, उसको हम आर के हेड से ड्रॉ करेंगे इस एक्स एक्सिस लाइन पर, तो फिर हमारे पास उसको मैं अलहदा से अगर दिखाऊँ तो ये जो कंपोनेंट बनेगा उसका, दिस कंपोनेंट विल बी आर वाई कंपोनेंट विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस, और ये होगा एन से लेके पी तक, ठीक है। तो इस तरह जो एन से लेके पी तक जो कंपोनेंट हम ड्रॉ करेंगे आर का, दैट कंपोनेंट विल बी द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। जिस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर जैसे ये आर है तो मैंने यहाँ पे आर ड्रॉ कर लिया, ये इसका आर एक्स कॉम्पोनेंट और ये इसका आर वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्टेप है कि जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों आर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमने ए वेक्टर के भी कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए ए एक्स और ए वाई, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए बी एक्स और बी वाई, और मतलब कि जैसे ये ए वेक्टर है तो इसका ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट बन गया, ये बी वेक्टर यहाँ मिलाया था हमने, बी वेक्टर को इसके ए के हेड के साथ मिलाया था, तो बी वेक्टर के कंपोनेंट में ये कंपोनेंट बी एक्स और ये कंपोनेंट बी वाई, इस तरह जो बी के भी बन गए। फिर आर के कंपोनेंट्स बनाए हैं, आर वेक्टर जो है आर वेक्टर ओ से लेके पी तक है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स में एक इसका आर एक्स कॉम्पोनेंट होगा जो ओ से लेके एन तक होगा, और एक जो इसका कंपोनेंट आर वाई होगा जो कि एन से लेके पी तक होगा ये सारा। तो ये हमने तीनों कंपोनेंट्स जो है इसके ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब जो हम लोग इस फिगर से
वैल्यूज़ लिखेंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। अल्टीमेटली तो जो हमने आर फाइंड करना है, हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, जो हमारा असल काम है वो रिजल्टेंट को फाइंड करना है। तो हम ये कहते हैं बच्चों फ्रॉम द फिगर, अब यहाँ से हम फिगर का हवाला देते हैं, ये जो हमने ड्रॉ की है, तो हम ये कहते हैं कि फ्रॉम द फिगर, हम ये यहाँ पे कहते हैं कि ओ एन लेंथ, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ओ से लेके एन लेंथ, यानी अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं कहूँ, तो बच्चों ओ से लेके एन जो लेंथ है, यानी ओ एन लेंथ जो है, दैट इज़ इक्वल्स टू ओ एम लेंथ, ओ से लेके एम तक लेंथ प्लस एम एन लेंथ, राइट। ये वाली बात आप लोग नोट कीजिए कि पहले बच्चों मैंने लिखा है कि ओ से लेके एन जो लेंथ है उसको ओ एन लेंथ हम कहेंगे, तो दैट इज़ इक्वल्स टू ओ एम प्लस एम एन, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लिखेंगे कि इस तरह से ये लेंथ्स जो हैं ये इक्वल होगी, ठीक है। अब जो ओ एन है, ओ से लेके एन तक जो लेंथ है, ये आर एक्स कॉम्पोनेंट जो हमने बनाया था रिजल्टेंट का, उसका मैग्नीट्यूड है। यानी अगर ओ से लेके एन तक आर एक्स वैक्टर हो, तो बच्चों ओ से लेके एन तक जो आर एक्स वैक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी आर एक्स, वो इस लेंथ को शो करेगा। यानी ओ से लेके एन तक जो लेंथ है वो एक्चुअली बच्चों आर एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगी। तो ओ एन जो है इसको हम लिख देते हैं दैट इज़ आर एक्स। और इसी तरह से बच्चों ये जो ओ से लेके एम है, यानी ओ से लेके एम तक जो लेंथ है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है ए एक्स कॉम्पोनेंट की। ये जो ए वैक्टर का ए एक्स कॉम्पोनेंट था, इस ए एक्स वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस ओ एम लाइन से रिप्रेजेंट होगा। यानी ये जो ओ एम वैक्टर है, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ है बच्चों ये ओ है, ये एम है, और ये आर एक्स वैक्टर इसको शो करता है, या इसको हम आर एक्स वैक्टर से शो करते हैं। तो किसी भी वैक्टर की जो लेंथ होती है वो उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है, लेंथ इक्वल्स मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ओ एम जो लेंथ है ये वो ए एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ओ एम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एक्स, ऐसे इसको शो करेंगे, वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए सिर्फ ए एक्स लिखेंगे। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स, ठीक है। प्लस उसके बाद जो हमारे पास है एम एन, यानी एम से लेके एन तक लेंथ, तो ये जो एम से लेके एन तक लेंथ है, ये जो अगर आप यहाँ से देखें तो ये बी एक्स वैक्टर की लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बी एक्स वैक्टर है, जो बी वैक्टर का कॉम्पोनेंट है एक्स कॉम्पोनेंट, उसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एग्जैक्ट इसी के इक्वल होगी जो एम एन की लेंथ है। तो इसका मतलब है बच्चों ये जो एम से एन तक लेंथ है, ये एक्चुअली लेंथ जो है एम से लेके एन तक, ये बी एक्स वैक्टर की लेंथ को शो करता है। तो इसलिए जो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए एक्स, ओ एम को लिख सकते हैं ए एक्स, और एम एन को लिख सकते हैं बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल जो साइड थी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ थी उनको हमने लिख दिया। अगेन दोबारा देखें बच्चों फिर से कि ओ एन जो लेंथ है टोटल वो इक्वल है ओ से एम लेंथ प्लस एम से एन लेंथ, ये पहले मैंने लिखा और फिर उनकी वैल्यूज़ लिखी कि ओ से लेके जो एन लेंथ है ये आर एक्स को शो करती है, यानी इस आर एक्स कॉम्पोनेंट की जो है ये मैग्नीट्यूड है। फिर ओ से लेके एम जो है ये ए एक्स वैक्टर की मैग्नीट्यूड, और एम से लेके एन तक जो है ये बी एक्स वैक्टर की लेंथ को शो करेगा। बी एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ये भी बी एक्स लेंथ के इक्वल होगा। ऑलराइट, तो इस तरह से ये पहली इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस देखें आप, यहाँ पे जो हम लिख लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, वर्टिकल साइड पे आप लोग देखें, तो यहाँ पे जो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है एन से लेके पी तक, जो टोटल लेंथ है एन से लेके पी तक, एन पी लेंथ उसको कह सकते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू एन एस, फर्ज़ करें कि इस पॉइंट को अगर मैं एस कहूँ तो ये इक्वल होगा एन एस लेंथ प्लस एस पी लेंथ, ठीक है। तो एस से लेके पी तक लेंथ के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी अगर वैल्यूज़ देखें तो एन से लेके पी तक जो है ये बच्चों आर वाई वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि एन से लेके पी तक आर वाई वैक्टर है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर आर वाई, तो इसके इक्वल है एन पी लेंथ। तो एन पी जो है इसको हम लिखेंगे आर वाई, उसके बाद जो हम लिखेंगे एन एस, और ये जो एन एस लेंथ है एन से लेके एस तक, ये एम क्यू लेंथ के इक्वल होगी, ये दोनों लेंथ सेम होगी। और एम से क्यू तक जो लेंथ है ये बच्चों इक्वल है ए वाई वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एम से लेके क्यू तक ए वाई वैक्टर है, तो इस वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस लेंथ को शो करेगा। और ये जो एम क्यू लेंथ है ये एन एस लेंथ के इक्वल है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ ए वाई
प्लस फिर एस से लेके पी तक जो लेंथ है ये जो बी वाई वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये बी वैक्टर का जो कॉम्पोनेंट है, बी वाई कॉम्पोनेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एस से लेके पी तक है। तो इसको इसलिए हम लिख सकते हैं बी वाई। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर टू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो है वो लिखा वेक्टर्स को, और फिर फिगर से अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस ये लेंथ्स जो है ये हमने यहाँ पे लिखी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो जैसा कि हम लोग ये टॉपिक जो है इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमने एक्चुअली जो चीज़ फाइंड करनी है वो है बच्चों रिजल्टेंट वैक्टर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वैक्टर है आर, हम ये लिखते हैं फ्रॉम द फिगर, यही चीज़ जो है इसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो हम ये कहेंगे जो यहाँ पे कि फ्रॉम द फिगर, यहाँ से हम लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है दैट इज़ इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। हेड टू टेल रूल देखें बच्चों, तो हेड टू टेल रूल अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये वेक्टर जो है ये आर एक्स हो और ये वेक्टर जो है ये आर वाई हो। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट जो है वो आर है, तो रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट हैं आर एक्स और आर वाई। तो यहाँ से बच्चों ये जो ओ से लेके पी तक रिजल्टेंट आर है, इसका एक कंपोनेंट ओ से लेके एन तक आर एक्स है और एक एन से लेके पी तक जो है ये आर वाई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं हेड टू टेल रूल। अच्छा, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये इक्वल है आर एक्स इंटू आई प्लस आर वाई इंटू जे। ठीक है, इस तरह से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ये जो बच्चों आर एक्स वैक्टर है, फर्ज कीजिए कि ये आर एक्स वैक्टर जो है इस आर एक्स वैक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट किया आर एक्स से और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया आई से, क्योंकि आर एक्स वैक्टर जो है दैट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए आर एक्स वैक्टर हो गया आर एक्स इंटू आई प्लस जो आर वाई वैक्टर है, फिर उसको भी इसी रूल से कि आर वाई वैक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी है दैट इज़ आर वाई और उसकी डायरेक्शन भी है दैट इज़ जे। तो इस तरह बच्चों दोनों को मैंने आर एक्स को वैक्टर को और आर वाई वैक्टर को उसके कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। अब जो अगला क्वेश्चन है कि हमने इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो बच्चों इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका एक फार्मूला है हमारे पास जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आर, हमने बेसिकली आर फाइंड करना है। तो आर को फाइंड करना यानी रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर आर इस तरह लिखा हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो सबसे पहले बच्चों मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा आर, उसका फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज़ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ से हम उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आर का मैग्नीट्यूड ये होगा तो अब इसकी वैल्यूज़ हम लगा देते हैं। यहाँ हमने देखा कि जो आर एक्स है वो इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स के, और आर वाई जो है वो इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई। तो जो इसकी वैल्यूज़ लगा दें यहाँ पे तो आर वेक्टर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्क्वायर, और जो आर वाई है ये होगा ए वाई प्लस बी वाई और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इस फॉर्मूला से, इस मेथड से यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रूल बना कि दो वेक्टर्स हैं बच्चों, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं, दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास हैं या हम बनाएंगे, और उसके बाद जो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। पहले हमने दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करना है, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर हमने दोनों ए और बी के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना है, उसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा हमारे पास उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना बात की कि वेक्टर ए था हमारे पास स्टार्ट में और फिर वेक्टर बी था, तो दोनों वेक्टर्स जो हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारे पास, तो उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, अच्छा अब जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे या डायरेक्शन जो है वो किस तरह से पता चलेगी,
तो डायरेक्शन जो होती है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में या किसी प्लेन में जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो बच्चों उस एंगल थीटा से शो की जाती है जो उस वेक्टर का बनता है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ जो किसी वेक्टर का एंगल होता है वो उसकी डायरेक्शन होती है किसी भी प्लेन में या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा है, अगर हम यही थीटा फाइंड करेंगे तो इस थीटा से जो डायरेक्शन बनेगी, जो वैल्यू आएगी थीटा की, वही एक्चुअली वैल्यू होगी इस वेक्टर आर की डायरेक्शन की, यानी इस वेक्टर आर की डायरेक्शन उस थीटा की वैल्यू से पता चलेगी। तो उसके लिए जो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है जो टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट इनवर्स के मेथड से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो फिर हमारे पास जो थीटा है दैट विल बी इक्वल टू आर वाई। आर वाई की वैल्यू है बच्चों हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इस तरह जो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है बच्चों। मतलब जो आपने थीटा फाइंड करना है उसको आप लोग टेंजेंट इनवर्स में दोनों वाई कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ लिखें, ऊपर टेंजेंट इनवर्स में ऊपर वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके लिखें और नीचे जो आप लोग उसमें एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके लिखें। तो इस तरह से हम लोग उसमें थीटा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये है जो हमारे पास अगर दो वैक्टर्स गिवन हों, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए एंड बी और दोनों वेक्टर्स का बच्चों जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो गिवन हों, तो उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो फिर रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रेज करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं, तो उस एग्ज़ाम्पल से फिर आपको मज़ीद इसकी जो है वो समझ आती है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे इसको पॉज करके यहाँ पे सारा नोट कर लें, ओके जी। अब जो यहाँ पे मैं इसको अरेज करता हूँ और एक एग्ज़ाम्पल जो है बच्चों वो लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल जो है इस तरह से बच्चों के फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास दो वैक्टर्स हैं और दोनों वैक्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन हैं। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं 3i प्लस 4j, और बच्चों एक वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट्स हैं 5i प्लस 6j, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हैं और हमसे कहा जाता है कि फाइंड आर, ठीक है, रिजल्टेंट जो है इनका फाइंड करें। अब जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या नहीं तो इसको थोड़ा सा रिवर्स जाके आप लोग उसको नोट करें। तो देखें बच्चों कि ये जो R है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, या उसको बच्चों लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो बच्चों अगर आप देखें ए एक्स प्लस बी एक्स, तो हमारे पास ए एक्स जो है वो 3 है और बी एक्स जो है वो 5 है। एक एक्स कंपोनेंट 3 है, बी का एक्स कंपोनेंट 5 है, इसका स्क्वायर लेंगे। इस तरह जो ए का वाई कंपोनेंट जो है ये 4 है और बी का वाई कंपोनेंट जो है वो 6 है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट आएगा। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है 3 प्लस 5 8, 8 स्क्वायर 64, 4 प्लस 6 10, 10 स्क्वायर 100। तो ये जो हमारे पास अगर इसको स्क्वायर रूट दोनों को ऐड करें तो 164, तो ये जो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 164 तकरीबन 12.8 यूनिट्स जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट्स गिवन है, तो हमने जो उन दोनों कंपोनेंट्स का, उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, उन बच्चों रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं 12.8। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन की थीटा, तो वो होगी बच्चों टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, या उसको बच्चों आप कह लें कि इसको हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था
उसको आप लोग देख सकते हैं कुछ मिनट्स पीछे। तो अब इसमें जो ये फार्मूला अगर हम लगाएं तो उसमें दोनों को ऐड करना है, वाई कंपोनेंट्स को यहाँ पे। तो पहले वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें तो ये जो हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स, वाई कंपोनेंट्स क्या है जो 4+6, दोनों के वाई कंपोनेंट्स 4+6 हो गए, नीचे भी जो 3+5, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको जो अगर हम करें तो दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स 10/8, तो यहाँ पर आप इसको 10/8 कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व कर दें तो जो हमारे पास 10/8 टेंजेंट इनवर्स की जो वैल्यू है थीटा की, दैट इज़ 51.34 डिग्री समथिंग जो है इसकी वैल्यू बनेगी। तो इस तरह जो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए और बी, दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हैं, तो उन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, और फिर बच्चों उसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की थीटा वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गई बात की, क्लियर? ओके जी। अब जो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास वेक्टर्स दो नहीं हैं, हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो दो से ज़्यादा हैं, ठीक है? अब जनरलाइज हम इसको कर देते हैं, राइट? जनरलाइज जो है इस रूल को कर देते हैं। तो जनरलाइज में हम ये कहते हैं कि इफ़ वी हैव मोर देन टू वैक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू वैक्टर्स, हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास जो वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, एंड सो ऑन, लेट्स से इस तरह हमारे पास जो है वो दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं। तो इन वेक्टर्स को बच्चों अगर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो हमसे कहा जाता है कि जी फाइंड आर, ठीक है? यानी जो ए वेक्टर गिवन है, ए के कंपोनेंट्स गिवन हैं, बी के कंपोनेंट्स गिवन हैं, सी के गिवन हैं, तो अब कहा जाता है कि रिजल्टेंट। तो उसमें जो हम जनरलाइज ये करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आर होगा, उसमें जो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, ऐसे हम जितने भी एक्स कंपोनेंट्स होंगे सब के, ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट, सब के एक्स कंपोनेंट्स लेने हैं उसका स्क्वायर। फिर बच्चों हमने ए का वाई कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, सी का वाई कंपोनेंट एंड सो ऑन, उसका स्क्वायर, और फिर उसका ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है? अभी भी रूल वही है, दो वेक्टर्स हैं तो दो के एक्स कंपोनेंट्स, और तीन हैं ये ज़्यादा हैं तो सब के एक्स कंपोनेंट्स को जो ऐड करना है, और फिर सब के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके उसका स्क्वायर लेना है। और इस तरह बच्चों जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन, और इस तरह जो इसको डिवाइड करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। तो ऐसे बच्चों अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उनके मैग्नीट्यूड यहाँ से इस तरह से लिया जा सकता है, वो सब के एक्स ऐड करें, सब के स्क्वायर लें, सब के वाई ऐड करें, उनका स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट ले लें। और डायरेक्शन के लिए जो सबसे टेंजेंट इनवर्स लेके ऊपर सब के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें, नीचे सब के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें, तो वहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर ये है कि ये जो हमारे पास थीटा है, ये थीटा जो है ये हमारे पास बच्चों एंगल है, ठीक है? तो ये उस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारे पास एंगल थीटा है या ये जो डायरेक्शन है, इसको अगर हम डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लेके जाएँ तो उसकी वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो थीटा की वैल्यू जो है बच्चों, इसको हम ये कहते हैं कि ये जो थीटा होता है ये बेसिकली डायरेक्शन है जो किसी भी वेक्टर की होती है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो हम इस थीटा से फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो इसमें जो अब ये है कि ये जो थीटा है ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, थर्ड या फोर्थ में। तो उसके बच्चों कुछ रूल्स हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई रिजल्टेंट आता है तो उसके क्या रूल्स हैं, फिर सेकंड में अगर रिजल्टेंट आता है तो उसके क्या रूल्स हैं। अब हम ये वाले रूल्स जो है इनको स्टडी करते हैं। यहाँ तक इसको नोट करें, ये सारा नोट कर लें इसको, ओके। अब देखिए बच्चों कि ऐसे हो सकता है कि ये जो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं दो वैक्टर्स का, जो रिजल्टेंट हम लेते हैं ये रिजल्टेंट जो है ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। मतलब हमारे पास अगर मैं प्लेन की बात करूं, तो अगर बच्चों प्लेन की मैं बात करूं तो प्लेन में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, जब हम लेते हैं एक्स वाई प्लेन, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं
तो इसमें जो अगर हम पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है कि जो दो वेक्टर्स हैं या तीन हैं जिनको हम ऐड करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है जो कि वो जो रिजल्टेंट है आर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, पॉसिबिलिटी है कि वो रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है कि हम दो वेक्टर्स को या तीन वेक्टर्स को ऐड करें और उनका जो रिजल्टेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है। या जो पॉसिबिलिटी है कि किसी वेक्टर को कुछ वेक्टर्स को ऐड करें और उनका रिजल्टेंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, या जो पॉसिबिलिटी के रिजल्टेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है। पहले तो ये आप देखें कि किसी भी मतलब एक्स वाई प्लेन में जो रिजल्टेंट जब बनता है, जब कुछ वेक्टर्स जो हैं उनको ऐड करके रिजल्टेंट बन जाता है, तो वो रिजल्टेंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब जो उसमें ये है कि कुछ रूल हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, उसको जानना है कि अगर कोई रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसकी डायरेक्शन यानी थीटा किस तरह से फाइंड होगी, और सेकेंड में आता है तो क्या करेंगे, थर्ड में आता है तो क्या करेंगे, और फोर्थ में आता है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। अब ये रूल्स जो है ये वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो क्वाड्रेंट वाइज हम इसको समझते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से हम इसको हेडिंग में जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वेक्टर का किसी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो ये हमारे पास प्लेन है और इस प्लेन में जो वेक्टर है जो आर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें यहाँ पे हम किस तरह से इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब जो फ़र्ज़ कीजिए कि इस वेक्टर आर का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का जो एंगल है ये फाई है, ठीक है, थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं। तो इस वेक्टर आर का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ये फाई है, तो यहाँ पे बच्चों जो डायरेक्शन होगी वेक्टर आर की, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर की जो डायरेक्शन होगी थीटा, वो जो डायरेक्शन होगी थीटा वो जो एग्जैक्ट यही होगी जो फाई की वैल्यू होगी, ठीक है। ये यहाँ पे देखें कि जो थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसकी वेक्टर आर की जो डायरेक्शन वो वही होगी जो फाई की वैल्यू होगी, और फाई जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, फाई को कैलकुलेट किया जा सकता है जो टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के फार्मूले से। ये जो वही टेंजेंट का फार्मूला जिससे हम लोग जो है टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला जिससे डायरेक्शन फाइंड करते हैं, सही है। मतलब आप ये कह लें कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो उसको जस्ट हमने यहाँ पे फाई से शो किया है, तो इसके दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, ये वाला कंपोनेंट जो है ये आर वाई होगा, ये कंपोनेंट आर एक्स होगा, तो यहाँ पे फाई है, टेन फाई लेंगे तो आर वाई ओवर आर एक्स आ जाएगा, तो फाई लेंगे बच्चों तो फाई किसके इक्वल होगा, दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, यही होगा ना आर वाई ओवर आर एक्स। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की आर की थीटा वो वही होगी जो फाई होगा, उसको हम टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, फ़र्ज़ करें कि किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो चला जाता है रिजल्टेंट, या कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया रिजल्टेंट जो है उसकी वैल्यू ये आएगी। अब इसमें बच्चों ये होगा कि जब ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाई कैलकुलेट करेंगे जो कि एंगल होगा विद एक्स एक्सिस। जाहिर बात है अब चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा, तो इसमें अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो फाई होगा ये वैक्टर आर का एंगल होगा विद एक्स एक्सिस इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर बनेगा, और फिर इस आर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस आर का एक्स कंपोनेंट होगा, एक इस आर का वाई कंपोनेंट होगा। तो बच्चों साइंस को इग्नोर कर दें यहाँ पे, ठीक है, साइंस को इग्नोर करना है, पहले हमने फाइंड करना है फाई की वैल्यू को। तो फाई की वैल्यू जो फाइंड होगी टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स है, ठीक है। तो पहले हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले हम फाई कैलकुलेट करेंगे, और फाई जो है ये एंगल होगा इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ इस सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो आर एक्स और आर वाई के जो साइंस हैं उनको आपने टोटली इग्नोर कर देना है, यहाँ पे कोई आपने साइन नहीं लेना। तो पहले आप फाई कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के। उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन होती है आर की, वो तो आपको पता है डायरेक्शन का रूल तो एक ही एग्जैक्ट फिक्स है, और वो ये है कि जो डायरेक्शन होती है किसी वैक्टर की वो हमेशा
एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे। तो अगर जो एक्स एक्सिस के साथ देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो बनेगा ये थीटा होगा जो कि इसकी डायरेक्शन होती है। यानी जब हम आर की डायरेक्शन कहते हैं वो तो फाई से नहीं होगी ना, वो फाई से हम नहीं बताएंगे, ये फाई तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, फाई तो इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ। असल डायरेक्शन जो इस वेक्टर आर की है वो उसी रूल से ली जाएगी जो हमने शुरू से डिफाइन किया है, और वो रूल ये है कि इस वेक्टर आर का एंगल लेंगे हम, उसको मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से, तो वो थीटा होगा। तो वो जो थीटा की यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 180 माइनस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 180 डिग्रीज माइनस फाइव, तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा है उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा जो है वो हमने लेना है। तो आपको पता है एक लाइन जो है, अगर बच्चों एक लाइन हम ड्रॉ करें तो इस लाइन पर टोटल एंगल 180 है, तो 180 में से बेटा ये फाई है, फर्ज करें टोटल 180 है, हाफ सर्कल, ये एक तरफ फाई है तो दूसरी तरफ बच्चों क्या बचेगा, दैट विल बी 180 माइनस फाइव, ठीक है। एक तरफ 60 है तो बाकी क्या बचेगा 120, एक तरफ जो है वो 20 है तो दूसरी तरफ 160 बचेगा, क्योंकि टोटल जो है हाफ सर्कल या एक पूरी लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा दैट इज़ 180, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसको हम लेंगे थीटा से, और वो होगी 180 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। पहले फाई को इस तरह से मेजर करना है, टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स से, राइट। चले जी नोट करें थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें हमारे पास अगर कोई रिजल्टेंट, कुछ वैक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसको वैक्टर्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट है वो अगर बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस तरफ आ जाता है अगर कोई रिजल्टेंट, हमें पता चल जाए कि ये रिजल्टेंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से ली जाएगी। इसमें जो पहले फाई फाइंड किया जाएगा फिर से, और फाई जो है वो इस रिजल्टेंट का एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। तो पहले बिल्कुल उसी तरह से बच्चों हम लोग फाई कैलकुलेट करेंगे, और वो होगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम टेंजेंट के मेथड से जो है वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी साइंस को हम नहीं लेंगे, इग्नोर कर दें साइंस को, तो आर वाई और आर एक्स के साइंस के बगैर उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे और टेंजेंट इन्वर्स करेंगे तो फाई आ जाएगा। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है और इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो हमने बतानी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो फिर से वही रूल कि जो इसका इसकी जो डायरेक्शन होगी इस रिजल्टेंट की थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर से वही एंगल लेना है जो एंटी क्लॉकवाइज होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। तो वो टोटल एंगल जो है वो यहाँ से लेके शुरू करके वो यहाँ तक बनेगा। तो इसमें जो अगर हम देखें तो हाफ सर्कल का यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये हो गया 180, और प्लस इसमें करेंगे फाई, तो दैट विल बी टोटल एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये जो बनेगा 180 प्लस फाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की या उस वेक्टर की, तो वो जो डायरेक्शन होगी 180 प्लस फाई, उसमें हाफ सर्कल का 180 और उसमें बच्चों प्लस कर देंगे हम फाई, तो मतलब कि पूरा हाफ सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ सर्कल में 180 प्लस ये वाला थोड़ा सा इसको हम लिखेंगे फाई, ओके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद जो है ये जो हमारे पास लास्ट वन जो है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है एंगल की वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है जो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूँ इस तरफ हो जाएगी, ये वेक्टर यहाँ आ जाएगा, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये वेक्टर जो है आर वो यहाँ चला गया। अब इसमें भी बच्चों पहले फाई कैलकुलेट होगा, एंगल फाई हम देखेंगे कि इस वेक्टर आर का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो फाई है, हमेशा एक्स के साथ, तो फाई पहले होगा, फाई को देखेंगे, वो वेक्टर फाई जो है ये बच्चों बना एक्स एक्सिस के साथ एंगल यहाँ पे। अब जो इस फाई की पहले कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो वैसे ही होगी जैसे टेंजेंट इनवर्स हम करते हैं आर वाई ओवर आर एक्स, तो पहले ये आएगा, हम देखेंगे कि इस आर रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है वो क्या है, इसका y कंपोनेंट क्या है, आर वाई ओवर आर एक्स की वैल्यूज़ हमें पता होंगी कि आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, वो यहाँ लगाएंगे आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज़, टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, फाई आ जाएगा। फिर जो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये बताना है, इसमें डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन हमेशा जो है किसी वैक्टर की वो बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर जो यहाँ से शुरू करके
तो यहाँ से अगर हम मूव करके एंटी क्लॉकवाइज आएँ इस वेक्टर आर तक, यहाँ तक, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये जो थीटा होगा यहाँ पे, ये जो कैलकुलेट करेंगे हम 360 माइनस फाइव से, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल अगर देखें बच्चों, कंप्लीट सर्कल 360, तो 360 में से ये फाइव जो है अगर इसको माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास वो एंगल बचता है थीटा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस आर का बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट तक। ठीक है, तो टोटल 360 है वन कंप्लीट सर्कल, उसमें से फाइव को माइनस करें, 360 माइनस फाइव करें तो हमारे पास बच्चों थीटा की वैल्यू आ जाती है। ओके, समझ आ गई बच्चों बात की। तो इस तरह से ये रूल आपने याद रखना है कि अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बच्चों डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट जो है फार्मूला से डिफरेंट तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर से एक दफ़ा रिपीट करें, फिर से इसको एक दफ़ा देखें। अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसका हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब फाई कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब इस मेथड के लिए हमने फाई रखा है कि फाई एंगल जो है उस वेक्टर का बनता है एक्स एक्सिस से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फाई हम कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, वही फाई जो है जो वो इक्वल होगा थीटा के, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो फाई ही होगी, जो फाई आएगा वही थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे थीटा से, वो होगी 180 माइनस फाई। पहले फाई कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स से, और फिर बच्चों उस फाई को हम माइनस करेंगे 180 में से तो थीटा आ जाएगा हमारे पास। ओके, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में ये है बच्चों के फिर से फाई कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से बच्चों फिर उसको हम फाइनली जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी 180 प्लस फाई। तो सेकंड में 180 माइनस फाई और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस फाई करेंगे। ठीक है, 180 माइनस फाई और थर्ड में 180 प्लस फाई, इस तरह याद रख लें। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो डायरेक्शन होगी उसमें जो पहले फाई का तो एक ही फार्मूला है, ये तो आप याद कर लें कि फाई आपने करना है और टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स करना है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आपने उसकी जो पहले फाई कैलकुलेट करना है वो टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स से कैलकुलेट होगा, वो तो सेम है सबका। बस ये याद रखना है कि फर्स्ट में थीटा जो है फर्स्ट है तो उसको आपने कर देना है थीटा इक्वल्स फाई, जो फाई वही थीटा। सेकंड है तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई, और थर्ड है तो थीटा इक्वल्स 180 प्लस फाई, और फोर्थ है तो थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस फाई। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेंट में जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मैं मेंशन करता चलूँ कि मैंने मैग्नीट्यूड जो है उसकी बात नहीं की। वैसे तो हमने लिखा था कि जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है उसका एक जनरलाइज फार्मूला हमने लिख दिया कि आर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो किसी भी क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला सेम है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें हमने कुछ नहीं करना, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला सेम है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने का फार्मूला या तरीका चारों क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट है। ये पॉइंट नोट कर लें आपको, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो भी उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही फाइंड करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, आर वाई फाइंड करेंगे, ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट जो हम फार्मूला हमने लिखा है उसमें आर एक्स और आर वाई के जो भी साइंस हैं वो स्क्वायर में आएंगे तो वो हमेशा प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, आर एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो स्क्वायर आएगा तो वही वैल्यू बन जाएगी, आर वाई जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो स्क्वायर होगा तो वही वैल्यू रहेगी उसकी। इसलिए जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में हो या फोर्थ में, वो सबका सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसका मतलब है बच्चों कि उसकी मैग्नीट्यूड के लिए यही फार्मूला सेम लगाएंगे। सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ा है, फ़र्क पड़ा है सिर्फ डायरेक्शन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायरेक्शन थीटा इक्वल्स फाई होगी और फाई को फाइंड करने का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, और सेकंड में थीटा होगा 180 माइनस फाई, थर्ड में 180 प्लस फाई और फोर्थ में थीटा जो होगा दैट विल बी 360 माइनस फाई। ठीक है, तो मतलब मैग्नीट्यूड जो है उसको फाइंड करने का फार्मूला सेम रहेगा, जो डिफरेंट होगा वो सिर्फ होगा डायरेक्शन के लिए। उसके लिए हम डायरेक्शन जो है थीटा के लिए जो है वो हमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अब जो इसमें एक दो एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं कि जिससे हमारी हमें इस बात का मज़ीद जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो कि किस तरह से ये
कंपोनेंट्स किस तरह से ये डायरेक्शन जो है वो लेनी है। तो देखें बच्चों कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास बच्चों एक वेक्टर है दैट इज़ 2i प्लस 4j, और इस तरह से बच्चों हमारे पास एक वेक्टर बी है जो कि इक्वल है 6i माइनस 9j। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों जो हैं ये बच्चों हमारे पास गिवन है कि उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे बच्चों अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि हमें कहा जाता है कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, तो जो इसका रिजल्टेंट बनेगा दोनों वेक्टर्स का वो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके आएगा। तो हम बच्चों इनको ऐड करते हैं, तो वेक्टर ए जो है दैट इज़ 2i प्लस 4j और वेक्टर बी जो है दैट इज़ 6i माइनस 9j। तो इस तरह जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास आएगा 2i प्लस 6i दैट विल बी इक्वल्स टू 8i। ठीक है, और उसके बाद जो j में से j करेंगे तो 4j माइनस 9j दैट विल बी इक्वल्स टू 5j। अब आप देखें कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट आपने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये भी अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वाड्रेंट्स का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से पता चलेगा कि वेक्टर रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में है। इसके लिए भी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के पॉजिटिव होंगे, ये भी एक तरह रिवाइज कर लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं। इस तरह बच्चों अगर सेकंड क्वाड्रेंट देखें तो उसमें पहला कंपोनेंट नेगेटिव है, दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव है। थर्ड देखें तो दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। फोर्थ देखें तो एक्स पॉजिटिव और वाई जो है उसमें नेगेटिव है। ठीक है, इस रूल से आप देख सकते हैं कि कौन सा रिजल्टेंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ से बच्चों अगर देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है दैट इज़ 8i माइनस 5j, इसमें जो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट है ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक होगी बात, ये आपने देख लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है 8i माइनस 5j। अब इसका मैग्नीट्यूड लें रिजल्टेंट का, तो उसका फॉर्मूला तो वही होगा, ये जो आप करेंगे 8² प्लस 5² और इसको सॉल्व कर देंगे दैट इज़ 64 प्लस 29 और ये जो 89 हो जाएगा और इसका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो 9.7 या 9.8 समथिंग जो भी इसका आंसर आए उसको यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा जो अब इसकी डायरेक्शन में हमने इस तरह करना है कि पहले हमने फाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले जो हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फाई की वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स ry ओवर rx से, तो वहाँ से जो इसकी वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स ry, यानी उसमें देखेंगे 5/8। तो यहाँ से जो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। जो भी इसका आंसर आए उसको हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो आंसर है दैट इज़ इक्वल्स टू डिग्रीज और ये वैल्यू होगी फाई की। ठीक है, यहाँ आंसर आएगा, यहाँ पे जो भी इसका बनेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे डिग्रीज़ में। अब जो ये जो फाई है ये इसकी डायरेक्शन नहीं है अभी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, अभी जस्ट हमने क्या कैलकुलेट किया है फाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल यहाँ पे लगेगा। अब जो यहाँ पे जो थीटा आएगा यानी इसकी जो डायरेक्शन बनेगी रिजल्टेंट वैक्टर की दैट विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस फाई। तो यानी असल जो डायरेक्शन बनेगी थीटा से शो करेंगे वो डायरेक्शन होगी 360 माइनस फाई। तो जो हमने पहले फाई कैलकुलेट किया है टेंजेंट इनवर्स 5/8 से जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे 360 में से, तो ये जो डायरेक्शन बनेगी इस वेक्टर आर की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी, उसको इससे शो करेंगे। ठीक है, ऐसे आपने कैलकुलेट करना है। तो ये जो एक एग्जांपल है, यानी कि ये एक मतलब आपको इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके पास एक वेक्टर ए है वेक्टर बी है दोनों गिवन हैं, कुछ उसके ए के दोनों पॉजिटिव हैं कंपोनेंट्स, लेट्स से बी के एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को ऐड किया रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट जो है वो फिर रिजल्टेंट से आप देखेंगे कि वो रिजल्टेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फिर जिस क्वाड्रेंट में वो रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स लाई करें उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने रूल लगा के उसकी डायरेक्शन लेनी है। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का तो कोई मसला नहीं, वो तो बच्चों कोई भी क्वाड्रेंट होता, यहाँ पे कोई भी साइन होता तो उसका मैग्नीट्यूड इसी तरह से आना था, उसको इसकी वैल्यू यही होनी थी, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा डायरेक्शन में। तो अगर ये रिजल्टेंट फोर्थ में है तो पहले फाई कैलकुलेट होगा टेंजेंट इनवर्स 5/8 और फिर 360 माइनस फाई हो जाता। अगर बच्चों ये रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो जो फाई की वैल्यू होती वही थीटा होता, सेकंड क्वाड्रेंट होता तो 180 में से माइनस कर देते फाई को, थर्ड होता तो 180 में प्लस कर देते फाई को। ठीक है, मतलब इस तरह से।
तो जैसे अगर यहाँ पे मैं प्लस का साइन कर दूँ तो ये यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रूल हम लगाएंगे, तो इस तरह से उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूल से जो फाई की वैल्यू आनी थी वही थीटा की वैल्यू आनी थी। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गई बात की, ये एक छोटी सी एग्जांपल इन दी एंड। तो आई होप कि आप लोग इस एग्जांपल से सारा जो रूल्स हैं इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसको लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप बच्चों कि आज के लेक्चर में आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो आप लोग समझ गए हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों मतलब वैक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स है, यानी कि दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट की फॉर्म में दिए हों, इस तरह से दिए हों, ऐसे लिखे हों, ये प्लेन में भी हो सकते हैं, ये स्पेस में भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रूल, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ सारा प्लेन वाला जो है वो डिस्कस किया है कि प्लेन में हम किस तरह से करेंगे। तो दो वैक्टर्स हैं बच्चों हमारे पास, तीन हैं, चार हैं, और वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स उनके गिवन हैं। जैसे ए वैक्टर है तो उसके दोनों कॉम्पोनेंट्स गिवन हैं, और बी वैक्टर है तो उसके दोनों कॉम्पोनेंट्स गिवन हैं। तो इस तरह से वेक्टर्स के कंपोनेंट्स गिवन हैं और हमने उन वेक्टर्स से जो है वो उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले हमने ये पढ़ा पहले हाफ में कि दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो तो उसका रिजल्टेंट आता कैसे है, तो उस रिजल्टेंट का रूल देखा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद हमने थीटा को फाइंड करने का देखा, टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। फिर हमने ये कहा कि ये जो रिजल्टेंट है वो पॉसिबिलिटी है कि किसी भी दो वेक्टर, तीन या चार या पांच वेक्टर्स को हम ऐड करें तो उनका जो रिजल्टेंट है वो पॉसिबिलिटी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, वन में भी हो सकता है। तो फिर अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वो रिजल्टेंट चला जाता है तो फिर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला सेम रहेगा और डायरेक्शन का फार्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो रूल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया आज के लेक्चर में, आप इतनी बात जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। स्टिल अगर आप फील करते हैं कि कोई पॉइंट जो है वन क्लियर है तो उसको आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर दें या आप लोग डायरेक्ट मुझे सेंड कर दें जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं, तो उस क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों को मतलब रिप्लाई में एक्सप्लेन कर दूं, या अगर मुझे लगे कि उसमें कुछ थोड़ा डिटेल चाहिए तो फिर एक जनरलाइज्ड लेक्चर वीडियो बनाकर उसको अपलोड किया जा सकता है। ऑलराइट बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें, इस लेक्चर को अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, वो भी इसको देखें और इसमें फ़र्दर इससे मतलब फ़ायदा उठा सकें या मज़ीद कोई क्वेश्चंस वगैरह इसमें से बता सकें। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।